ट्यूटर BS6 की मैं बात करता हूँ, तो देखते हैं बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। और मैं बताऊंगा कि आप लोगों को आखिरी तक इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस बाइक के अंदर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z तक, और आखिरी में कंक्लूजन निकालेंगे क्या ये बाइक लेने लायक है या नहीं है या क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बाइक के टायर साइज़ के बारे में, टायर्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इस बाइक के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। आप लोगों को पता है, इसको ऑन रोड चला लो चाहे ऑफ रोड लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट साइज टायर की, नहीं फ्रंट साइज व्हील के बारे में बात करूँ, तो वो आपको मिलेगा 431.8 mm का फ्रंट टायर का, आपको फ्रंट व्हील साइज मिलेगा। और रियल व्हील साइज मिलेगा 431.8 mm का आपको फ्रंट व्हील साइज मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, और सबसे अच्छी चीज़ है कि इस बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लुक में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट है। अगर बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर अगर हम देखें तो इस बाइक के अंदर फ्रंट टायर साइज की बात करी जाए तो वो होगा 110/70 का आपको फ्रंट टायर मिलेगा, और रियल जो मिलेगा वो मिलेगा 150/60 का आपको R17 का आपको इसके अंदर टायर मिलेगा। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 12W की बैटरी मिल जाएगी, और मेंटेनेंस फ्री बैटरी रहने वाली, जैसे कि अभी तक आप लोगों को पता है कि सुजुकी एक छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है। अब बात करी जाए इस बाइक का कर्व वेट का, तो इस बाइक का जो कर्व वेट होगा थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि बल्कि बाइक है और काफ़ी ज़्यादा उसके लुक के ऊपर काम करा, तो थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो वेट निकलेगा वो मिलेगा 161 kg का वेट मिलेगा, और इस बाइक का जो व्हील बेस होगा वो होगा 1345 mm का आपके इसके अंदर व्हील बेस मिल जाएगा। बात करी जाए इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप इसको ऑफ रोड चलाओ, ऑन रोड चलाओ, कहीं भी चलाओ, तो ये बाइक जो है वो आपको कहीं भी टच नहीं होने वाली। तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलेगा 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, और साइडल हाइट की मैं अगर बात करूँ तो वो मिलेगी आपको 800 mm की। बात करी जाए तो इस बाइक की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की, इसका पेट्रोल टैंक कितने का होगा, तो इसका जो आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा वो मिलेगा 12 लीटर का पेट्रोल टैंक होगा, और इस बाइक की जो हाइट होगी वो होगी 1035 mm की हाइट होगी। बात करी जाए इस बाइक की विड्थ की, तो वो होगी 740 mm की विड्थ होगी, और जो लेंथ होगी वो होगी 2010 की। तो काफ़ी अच्छा विड्थ भी है, काफ़ी अच्छी हाइट भी है, और काफ़ी अच्छी साइडल हाइट भी इसकी है। बात करी जाए इसकी नई चीज़ की, तो वो है इसका शॉकर्स। तो शॉकर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, और रियल में आपको मिलेंगे मोनोशोकर सस्पेंशन मिलेंगे, जो कि कंपनी बोल रही है कि ऑयल वाले मिलेंगे। जैसे नॉर्मली आपको पता है कि कल कोई लीक हो भी जाता है तो इसमें नॉर्मल ऑयल डलता है। बात करी जाए तो इस बाइक के बारे में, तो इस बाइक का जो आपको बॉडी टाइप मिलेगा वो मिलेगा आपको, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक नेकेड बाइक भी हो सकती है, लेकिन स्पोर्ट्स तो दोनों ही कह सकते हैं, नेकेड भी कह लो स्पोर्ट्स भी कह लो, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि इसका लुक काफ़ी अलग ही बाइक का है। बात करी जाए तो इस बाइक की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का कंपनी क्लेम कर रही है कि ये 38 का माइलेज निकाल के दे देगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बाइक इतने का माइलेज निकाल के दे देगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लुक और इंजन इसके अंदर 250 वाला है, जैसे कि आपको पता है इसमें जिक्सर वाला इंजन ही लगा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो माइलेज भी आपको इतनी निकाल के दे देगी। बात करी जाए तो कंपनी ने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि अगर बात करूँ तो मैं पैसेंजर फुटरेस्ट के बारे में, तो इसके अंदर आपको पैसेंजर फुटरेस्ट भी मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ की थोड़ी सी कमी मुझे लगी वो है मोबाइल कनेक्टिविटी की। तो मोबाइल कनेक्टिविटी इसके अंदर नहीं है, चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो हम बाहर से भी जाकर लगवा सकते हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, और अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है इस बाइक का इंजन। तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 249 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल्ड गोल्ड BS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 26.5 PS at 9000 RPM की, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 22.6 Nm at 7500 RPM पर। इस बाइक के अंदर सिंगल सिलेंडर की बाइक होगी, और जैसे कि तुम लोगों को बता दें कि इस बाइक के अंदर आपको ऑयल कूल्ड मिल जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि इस बाइक के अंदर आपको फोर वॉल मिलेंगे। और बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर किक का तो खैर कोई ऑप्शन है ही नहीं, वैसे अगर होता तो चलो अच्छी बात होती, पर खैर कोई बात नहीं, नहीं है तो किक का कोई बात नहीं। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर आपको 6 फीट के गियर बॉक्स मिल जाएंगे, और इसके अंदर जो आपको बोर मिलेगा वो मिलेगा 76 mm का, और जो स्ट्रोक मिलेगा वो मिलेगा 54.9 mm का आपको स्ट्रोक मिलेगा। अब बात करी जाए तो क्या ये बाइक लेने लायक है, तो देखो अगर आप लोग एक ऐसी बाइक चाह रहे हो जो कि बिल्कुल ही अलग लुक लगे, बिल्कुल ही अलग लुक लगे, तो आप इस बाइक को ले लो, पहली चीज़ लुक। दूसरी बात आ गया इसका इंजन, लेकिन अगर कंपनी इसका प्राइस ज़्यादा ना करे, ओवर प्राइस ना करे इस बाइक को, तो भाई ये बाइक बेस्ट है। अगर आप मान के चलो ये बाइक को आपको 180 के आसपास के अराउंड मिल जाती है, 180 या इसके आसपास में मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बाइक है। लेकिन अगर ये बाइक अगर 2 लाख के आसपास पहुंच गई तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा इस बाइक को लेके, लेकिन
इसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर ऑयल कूलर है, लेकिन लेकिन कंपनी ने ये चीज़ बोला है कि इसका जो ऑयल कूलर है वो लिक्विड कूल वाला ही काम करेगा, क्योंकि इसमें कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने इसमें अपनी टेक्नोलॉजी लगाई। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हो जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो तो आप इस बाइक को ले लो। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैंने बहुत सारी बाइक्स में ऐसा देखा जिसके अंदर ऑयल लिक्विड कूल्ड की पाइप टूट गई, कभी कुछ हो गया, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में इसमें ध्यान है। लेकिन इसमें ऑयल कूल्ड के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रहती है ऑयल कूल के पर्पज़ पर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगी? तो देखो, अभी तक तो इस बाइक का कोई प्राइस आया नहीं, लेकिन जैसे अगर मेरे पास इस बाइक का कोई भी प्राइस आएगा तो मैं एक वीडियो कंफर्मली बना दूंगा। लेकिन मैंने एस्टिमेट आपको बता दें कि अगर ये बाइक इतनी प्राइस आएगी तो ये काफ़ी सही रहने वाली है। तो अगर आप बात करें तो मैं अगर मैं इस बाइक को लेना चाहता हूँ तो देखो, अब मैं गया हूँ, मुझे एक इंजन बेस्ट चाहिए, तो इंजन बेस्ट के हिसाब से ये बाइक मुझे सही लगी। क्यों? क्योंकि लो मेंटेनेंस इंजन है इस बाइक का। अगर इंजन देखो तो काफ़ी लो मेंटेनेंस है, ताकि इसके अंदर क्योंकि ना आपको लिक्विड कूलर खर्चा पड़ेगा, सिर्फ इंजन ऑयल डलवाओ, नॉर्मली फिल्टर वो सर्विसिंग कराओ, कोई इसमें ज़्यादा कोई झमेला नहीं है, इस बाइक के अंदर ज़्यादा कोई झमेला है ही नहीं देखा जाए तो। अगर नॉर्मली इंसान मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से देखा जाए, इंडियन के हिसाब से देखा जाए, कम बजट के अंदर इस बाइक की सर्विसिंग हो जाएगी। तो बाकी अब आपके ऊपर है कि अगर आप लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इसको लो। अगर मैं अपनी रेटिंग दूँ तो मैं इसको 10 out of 8 आसपास मैं दे सकता हूँ, लेकिन यह है कि मैं फुल इसको नहीं कह सकता कि मैं इसको फुल रेटिंग दूंगा, लेकिन हाँ इसमें मैं इतना दे दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं खराब करने दे। मेरा कॉल चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर जरूर